लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। लोकायुक्त की गिरफ्त में फिर शासकीय कर्मचारी एमपीबी के दो कर्मचारी को 25,000 की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। इंदौर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि एक होटल मालिक द्वारा एमपीईवी से एक नए ट्रांसफार्मर लगाने की डिमांड की गई थी, लेकिन एमपीईवी के अधिकारियों ने होटल मालिक से 25,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके एवज में वह ट्रांसफार्मर लगाने की बात तो हुई थी, लेकिन फरियादी अशोक कुमार है जिसने मरहारगंज क्षेत्र में एक होटल का निर्माण किया जा रहा था और होटल निर्माण में लोड अधिक आ रहा था। लोड के चलते उसने नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की थी, लेकिन ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में 25,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसमें लोकायुक्त ने दोनों अधिकारी जिनके नाम पश्चिम विद्युत मंडल के कार्यभार कुमार मंत्री अजय कुमार व्यास और दूसरे का नाम प्रकाश शाह जो कि सहायक श्रेणी दो का पदाधिकारी है, दोनों को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। आज एमपीवी के एक डी स्तर के अधिकारी को पकड़ा है, रिश्वत देते क्या है पूरा मामला? ये पश्चिम शहर संभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री हैं अजय कुमार व्यास, ये इनके द्वारा जो है इसी क्षेत्र में एक नया होटल गिरिशंकरा खुला है, उसमें लोड बढ़ाने की कार्रवाई होनी थी। एक नया ट्रांसफार्मर शिफ्ट होना था तो 11 किलो लोड बढ़ाने के लिए उनसे 25,000 रुपये की रिश्वत जो फर्म है विद्युत कनेक्शन करने वाली उसके एम्प्लाई के माध्यम से मांग की जा रही थी। आज इनको 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हमने अभी रंगे हाथों पकड़ा है। इनके सहायक ग्रेड दो के माध्यम से रिश्वत ले रहे थे अपने कार्यालय में ही। सर, इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी जो इनके बाबू हैं लगातार हर टाइम पे 500 रुपये लेते थे। अब वो चीज़ तो अभी आपने बता रहे हैं तो आ रही है, अब ये चीज़ विवेचना में जरूर विवेचना का विषय रहेगी कि इस टाइप की प्रक्रिया ये लोग करते हैं और इससे संबंधित फाइलों को भी इसलिए हमने जब्त किया है। अभी आगे उसमें फरियादी कौन है और किस तरह की शिकायत? फरियादी अशोक कुमार सोनी है जो यहाँ कालानी नगर 570 कालानी नगर के रहने वाले हैं। तो इनके द्वारा बताया गया था कि मल्हारगंज क्षेत्र में एक कोई होटल है और एक और मल्टी है, वहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक स्थित है। तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए जो है पहले इन्होंने लोड बढ़ाने के लिए वहाँ ट्रांसफार्मर लगवाया था, उसी में अभी इन्होंने एक नया होटल का निर्माण किया तो जो लोड है वो 49 किलोवाट से कम रहता है तो अलग से ट्रांसफार्मर की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी उससे ज़्यादा हो रहा था, इनका लगभग 60 किलोवाट हो रहा था तो 49 को 60 कराने के लिए एक नया ट्रांसफार्मर इन्हें स्थापित कराना था, जिसके एवज में इनसे 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। सर, ये पहली किस्त थी या और कुछ भी डिमांड? नहीं, ये पहले इन्होंने देने का प्रयास किया तो किस्तों में, तो उन्होंने बोला कि आप सारे इकट्ठे दीजिए, सारे 25,000 अभी आज देते हुए जो है पकड़ा गया है। ठीक सर, आपका नाम? मैं DSP प्रवीण सिंह बघेल, लोकायुक्त इंदौर से।